हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करेंगे हमारा न्यू चैप्टर पाठ नंबर आठ में हमने बहुत ही प्यारी कहानी सुनी थी, कहानी का किया था हम सब एक। अब है पाठ नंबर नौ, जो एक कहानी है चीकू की चाह, है ना, चीकू की चाह। तो ये एक शिक्षाप्रद कहानी है, मतलब आपसे इसको कुछ ना कुछ, आपको ये कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी। तो ये कहानी में क्या है क्या नहीं है वो हम कहानी पूरी पढ़ेंगे, क्या है इसमें क्या नहीं है। तो कहानी हमारी है, हम स्टार्ट करते हैं। एक चीकू खरगोश था। तो यहाँ पे जो चीकू है, जैसे पाठ का नाम है चीकू की चाह, तो जो चीकू है वो यहाँ पे वो एक खरगोश है। एक चीकू खरगोश था, उसकी दोस्ती एक परी से हो गई। उसकी दोस्ती किससे हो गई? एक परी से हो गई। एक दिन चीकू खरगोश ने जंगल में जिराफ को देखा। एक दिन चीकू खरगोश था, उसने किसको देखा जंगल में? जिराफ को देखा। जिराफ क्या होता है? ऐसा एक एनिमल होता है जिसका, जो बहुत ही टॉल होता है, बहुत ही लंबा होता है। वह अपनी लंबी गर्दन उठाकर पेड़ों के हरे हरे पत्ते खा रहा था, है ना। वो अपनी लंबी गर्दन उठा के, क्योंकि जिराफ की जो गर्दन होती है वो बहुत ही लंबी होती है, तो वो अपनी लंबी गर्दन उठा के जो ऊपर के हरे हरे पत्ते होते हैं पेड़ के, वो खा रहा था। यह देखकर चीकू ने अपनी दोस्ती परी से कहा, काश मेरी गर्दन भी लंबी होती और मैं भी पेड़ों के पत्ते खा पाता, है ना। जो चीकू था उसकी दोस्त थी एक परी, है ना, जो परी जो जादू करती है, परी है ना, जादू करके जो हमें चाहिए होता है वो हमारी विश पूरी कर देती है, ऐसी परी होती है ना। तो चीकू की एक दोस्त थी परी, उसने कहा, क्या कहा चीकू, उसने क्या कहा परी से कि काश मेरी गर्दन भी लंबी होती और मैं भी पेड़ों के पत्ते खा पाता। फिर क्या था, परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और कहा, देखो परी के पास क्या होती है, ऐसी जादुई छड़ी होती जिससे वो अपना जादू करती हैं। तो अपनी छड़ी घुमाई और कहा, क्या कहा, गिली गिली छू, है ना। जादू कैसे चलाया उसने, क्या बोल के अपना जादू चलाया, गिली गिली छू, और जादू चल गया। लंबी गर्दन वाला हो जाए चीकू, फिर क्या बोला परी ने, गिली गिली छू करके, कि लंबी गर्दन वाला हो जाए चीकू। यह कहते ही चीकू की गर्दन लंबी हो गई, है ना। परी ने अपना जादू चलाया चीकू के ऊपर और क्या कहा कि चीकू की जो गर्दन है वो लंबी हो जाए, तो जादू चल गया। यह कहते ही चीकू की गर्दन लंबी हो गई थी। लेकिन यह क्या, गर्दन लंबी होते ही चीकू मुंह के बल गिर पड़ा, है ना। क्या हुआ, गर्दन लंबी जैसे हुई वैसे जो चीकू था वो मुंह के बल गिर पड़ा। वह चिल्लाया, उई उई, चीकू मोटा था और गर्दन बहुत ही लंबी थी, है ना। क्यों गिर गया था चीकू और कैसे चिल्ला था, उई उई, देखो इस तरह वो गिर गया। और क्यों गिर गया था, क्योंकि उसकी जो गर्दन थी वो बहुत ही लंबी हो गई थी अब। लेकिन उसका जो चीकू तो बहुत ही छोटा था ना, इसका जो नीचे का पार्ट है वो बहुत ही छोटा होता है रैबिट का, और जब गर्दन लंबी हो जाएगी तो चीकू क्या होगा, गिर ही जाएगा। तभी उससे फूल पर बैठी एक तितली दिखाई देती है। उससे देखकर वह परी से बोला, इस लंबी गर्दन से तो अच्छा है कि मुझे पंख मिल जाए, है ना। अब चीकू ने क्या किया कि लंबी गर्दन तो उसे नहीं पसंद आई क्योंकि वो गिर गया था। अब चीकू ने क्या बोला कि इस लंबी गर्दन से तो अच्छा है मुझे पंख मिल जाए, जैसे तितलियों के होते हैं पंख, फिर मैं भी तितली की तरह फूलों का मीठा मीठा रस पी पाऊंगा, है ना। जो तितलियाँ होती हैं, वो जो फूलों का जो मीठा मीठा रस होता है वो पीती हैं। तो चीकू क्या बोलता है कि तितली की तरह फूलों का मीठा मीठा रस मैं भी पी पाऊंगा, काश मैं मुझे तितली की तरह पर आ जाए। यह सुन के परी ने फिर जादू की छड़ी घुमाई और कहा, गिली गिली छू, सुंदर पंख वाला हो जाए चीकू, है ना।
परी तो उसकी बात मान रही थी चीकू की और अपना जादू चला रही थी। इस बार उसने जो चीकू ने बोला था वही बात उसने मानी कि सुंदर पंख वाला हो जाए चीकू। फिर क्या था, यह कहते ही चीकू के रंग बिरंगे पंख लग गए, है ना, यह कहते ही चीकू के रंग बिरंगे पंख लग गए थे। वह उड़कर पास के फूलों पर बैठना चाहता था, अब वह उड़ के पंख आ गया अब उसके पास, तो अब वो उड़ के पास के फूल में बैठना चाहता था। जैसे ही वह फूल पर बैठा वैसे ही जोर से एक आवाज़ आई, धड़ाम, है ना, चीकू चिल्लाया, ओई ओई। तो इस बार भी जो चीकू था वो गिर गया था। क्यों गिर गया था, चीकू बड़ा था और फूल छोटे थे, है ना, चीकू बड़ा था और फूल छोटे थे। अब रैबिट के जितने तो फूल होते नहीं हैं बड़े, फूल तो क्या होते, छोटे छोटे होते हैं ना। तो अब जैसे ही वो फूल पे बैठा वो फूल जो है जो चीकू है वो गिर गया, क्योंकि फूल बहुत ही छोटे थे। उसके बैठते ही फूल झुक गया और वह गिर पड़ा, है ना, उसके बैठते ही फूल जो था वो झुक गया और चीकू जो था वो गिर पड़ा। अब उसने कहा, मैं जैसा पहले था वैसा ही अच्छा था। अब वो परी से क्या बोलता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा पहले था मुझे वैसा ही अच्छा, मैं वैसा ही अच्छा था, कम से कम ही गिरता तो नहीं। इस बार भी परी ने चीकू की यह बात मान ली। इस बार भी परी ने क्या थी, चीकू की बात मान ली थी और छड़ी घुमा कर कहा, गिली गिली छू, गिली गिली छू, पहले जैसा हो जाए चीकू, है ना। क्या कहा इस बार भी परी ने, गिली गिली छू, पहले जैसा हो जाए चीकू, जैसे पहले था। और चीकू फिर से पहले जैसा हो गया। अब वह बहुत खुश हुआ और गाजर खाता हुआ जंगल में घूमने लगा, है ना। अब वो बहुत खुश हो गया था और गाजर, क्योंकि जो खरगोश होते हैं वो गाजर खाते हैं बहुत शौक से, तो वो गाजर खाते हुए जंगल में घूमने लगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हम जैसे हैं उसी में खुश रहना चाहिए, है ना। ये कहानी से हमने यही सीख ली कि हम जैसे भी हैं, अच्छे बुरे, हमें अपने ऊपर खुश होना चाहिए, ना कि दूसरों का देखकर हमें दुख होना चाहिए कि दूसरे कैसे हैं, दूसरे अच्छे हैं तो हमें उनके जैसे बनने के लिए कुछ गलत चीज़ करनी पड़े, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं हमें अपने उसी में हमें खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरों का देखकर हमें उनकी तरह बनने की कोशिश करना चाहिए। शब्द अर्थ है इसके, जंगल, जंगल मतलब वन, दोस्ती मित्रता, रंग बिरंगे मतलब अलग अलग रंग के रंगीन, पंख मतलब पर, वाचन सूत्र लेख, खरगोश, जिराफ, गर्दन, धड़ाम, गाजर, जंगल। अब इसका अभ्यास है, सोचिए और बताइए खरगोश का क्या नाम था। तो खरगोश का नाम क्या था, चीकू था खरगोश का नाम। परी ने क्या कहकर चीकू की गर्दन लंबी कर दी थी, परी ने क्या कहकर चीकू की गर्दन लंबी कर दी थी, नहीं, परी ने गिली गिली छू, लंबी गर्दन वाला हो जाए चीकू, ये कहकर उसकी गर्दन लंबी कर दी थी। अब है दिए गए प्रश्न के उत्तर में राइट का निशान लगाओ, किसकी गर्दन लंबी थी, तो गर्दन जो थी वो जिराफ की थी लंबी। फूलों का मीठा मीठा रस कौन पीता है, तो तितली पीती है। अब प्रश्नों के उत्तर, तितली को देखकर चीकू ने क्या सोचा, तो तितली को देखकर चीकू ने सोचा कि मुझे पंख मिल जाए तो मैं भी तितली की तरह फूलों का मीठा मीठा रस पी पाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, अंत में परी ने चीकू को कैसा बना दिया, तो अंत में परी ने चीकू को पहले जैसा बना दिया, जैसे वो पहले था। अब आपका ग्रामर टॉपिक, भाषा ज्ञान, विलोम शब्द और अनेक शब्द। सबसे पहले विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो जो शब्द उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको मैं इंग्लिश का दूँ, इंग्लिश में आप अपोजिट वर्ड्स करते ना, अपोजिट्स वर्ड्स आ रहे हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं विलोम शब्द, जिसका अर्थ हम उल्टा बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे मोटा पतला। तो यहाँ पे शब्दों के विलोम शब्द में राइट का निशान लगाओ। जो भी यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं उनके सामने दो शब्द हैं, दोनों में से सही शब्द पे, सही विलोम शब्द पे आपको राइट का निशान लगाना है। जैसे यहाँ पे दिन, दिन का विलोम शब्द होता है रात, तो रात पे, सुबह पे नहीं लगाना क्योंकि सुबह इसका समानार्थी शब्द होता है, जिसका अर्थ समान होता है, विलोम शब्द रात है। फूल कांटे, फूल का विलोम शब्द है कांटा। बड़ा छोटा, बड़ा का विलोम शब्द है छोटा। अनेक,
अनेक का विलोम शब्द है एक से, विलोम शब्द आपको हेड का निशान लगाना है। अब एक से ज़्यादा को अनेक कहते हैं। अनेक किसे कहते हैं, मतलब जो चीज़ एक से ज़्यादा हो, एक नहीं हो। अगर आपने देखा हो एक एक वचन बहुवचन हमने किया था ना, एक वचन बहुवचन जिसे बोलते हैं। एक वचन में क्या होता है, जो सारी चीज़ें जो एक होती हैं, और बहुवचन में एक से ज़्यादा होती है, या फिर कोई भी नंबर कोई भी चीज़ कोई भी शब्द है ना एक से ज़्यादा हो उसे अनेक यानी बहुवचन भी कहते हैं, और कोई भी चीज़ एक हो उसे एक वचन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही है, जैसे एक किताबें, अनेक किताब एक हुआ, किताबें अनेक हुई, क्योंकि किताब एक से ज़्यादा हो जाती, किताबें। एक का अनेक शब्द से मिलान कीजिए, जैसे पत्ता पत्ते, परी परियां, आवाज़ आवाज़ें, तितली तितलियां, ये सारे इसके अनेक शब्द पे आपको ऐड करने निशान लगाना है। अब कौन क्या खाता है मिलाकर बताओ, कौन क्या खाता है। तो हाथी क्या खाता है, शुगर कैन खाता है, और मिट्ठू क्या खाता है, मिर्ची खाता है, और रैबिट जो है वो कैरेट खाता है मतलब गाजर खाता है, और बंदर जो है वो केले खाता है। तो ऐसे आपको कौन क्या खाता है उससे मिलान करना है। तो यही था आपका छोटा सा चैप्टर जो यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर थे, और इसमें हमने विलोम शब्द और एक वचन बहुवचन भी किया है, जो मैंने आपको असाइनमेंट में इसका अलग से मैंने आपको वीडियो भी दिया है, वो वीडियो देखना आप, और इसके रिलेटेड मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी दी है, उसको भी आपको पूरा करना है। थैंक यू।